सहकारिता मंत्री की मौजूदगी में ऐतिहासिक शिक्षक दिवस पर विधायक के द्वारा शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर भिंड में ऐतिहासिक चतुर्थ शिक्षक सम्मान समारोह भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा उर्फ संजू की मौजूदगी में हुआ। इसमें लगभग 2500 शिक्षकों का सम्मान हुआ। ऐसे शिक्षक जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनका वैक्सीनेशन कराया गया। भिंड के इतिहास में पहली बार शिक्षकों के सम्मान 2018 में भिंड विधायक संजीव सिंह के द्वारा हुआ था। तब से लगातार अब तक ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है। भिंड विधायक जीते हैं वीरों की भूमि। कुछ लोगों ने भिंड का नाम दस्युओं के लिए बदनाम किया है, ये सरासर गलत है। सबसे अधिक भिंड से देश के लिए सैनिक शहीद हुए और शिक्षकों से अनुरोध है कि वो अपना दायित्व निभाएं ताकि भिंड का शिक्षा क्षेत्र में नाम रोशन हो सके। मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड विधायक संजीव सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह की शिक्षक सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि शिक्षक जीवन को जीने की राह सिखाते हैं। शिक्षकों की जो भी शिकायतें हैं उन्हें हम शासन प्रशासन के सामने रखेंगे। पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह ने भी शिक्षकों को अपना गुरु बताते हुए कहा कि शिक्षक हमें हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह, विधायक संजीव सिंह, कलेक्टर सतीश कुमार, ऐसे सभी ने आज शिक्षक दिवस पर छात्र जीवन को याद करते हुए गुरुओं को नमन किया। ये कार्यक्रम भिंड सांस्कृतिक मैरिज गार्डन में किया गया। इस अवसर पर सहकारिता सांस्कृतिक मैरिज गार्डन में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह, भिंड विधायक संजीव सिंह, आर के उपाध्याय, जेडी एजुकेशन, कलेक्टर सतीश कुमार के साथ कई शिक्षा अधिकारी और जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस देश को बाल सम्मान स्वाभिमान का जागरण कराना में ये भी किसी की जिम्मेवारी है, तो शिक्षक हमारे इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और शिक्षक को व्यवहार विद्यार्थियों के बारे में बड़ा अध्ययन होता है, इसे साइकोलॉजी को समझना विद्यार्थी को, साइकोलॉजी को समझ के उस प्रकार का ट्रीटमेंट करना है, उस प्रकार की शिक्षा देना है। तो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो व्यक्ति निर्माण यानी क्या है? तो व्यक्ति निर्माण में जब हम अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन हमको हमेशा के डकैत और साथियों का किया। फिर वो भोपाल में शौर्य स्मारक का निर्माण हुआ, मैं विधायक नहीं था उसको, मैं उसको देखने गया। जब मैं उसको देखने गया तो छाती चौड़ी हो गई। 75 से ज्यादा नाम भिंड के शहीदों के जो लिस्ट लगी हुई थी, आगे से ज्यादा भिंड के नाम थे वहां पर, लेकिन इस बात की चर्चा कभी नहीं की। मैं ये बात की चर्चा आपके बीच में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं, और अगर आप लोग ठान लेंगे